वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल थोड़ा बहुत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मंत्रा MFS 100 फिंगरप्रिंट डिवाइस का अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि CSC और ईमित्र के लिए सबसे बेस्ट और पॉपुलर डिवाइस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गुमाए, लेट्स गो। तो दोस्तों मंत्रा MFS 100 का बॉक्स है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर MFS 100 लिखा हुआ देखने को मिलेगा, V54 और यहाँ पे इसके नीचे है वो मंत्रा देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं और इधर हमारे को देखने को मिलेगी इसके मॉडल नंबर वगैरह, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको घुमा देते हैं, तो इसके मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। अभी हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ओपन करने के बाद इसको साइड में रखते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे को ये पैकेट मिला है, ठीक है। तो अभी हम इस पैकेट को यहाँ से ऐसे करते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ काम वगैरह नहीं है शायद। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद हमारे को ये एक सेंसर शार्प करने के लिए दिया गया है और इसके बाद हमारे को USB OTG देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल है वो आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने में इसको कर सकते हैं। इसको साइड में रखते हैं हम। और फाइनली हमारे पास आप देख सकते हैं मंत्रा MFS 100 की डिवाइस है, वो इस तरह की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम इस पैकेट को है वो प्लास्टिक को हटा देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसका अनबॉक्सिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको अपने PC या लैपटॉप के साथ किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं उसका प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये फिंगरप्रिंट है वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो दोस्तों सिस्टम से मंत्रा डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है इसके बाद। तो और यहाँ पे आपको सर्च करना है मंत्रा RD सीरीज, ठीक है, और इसके बाद हमारे को एंटर कर देना है। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो इसके बाद में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वेबसाइट मिल जाएगी आपको और यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे हमारे को ये कैप्चा दिया गया है, यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं इसके बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मंत्रा RD सीरीज को डाउनलोड करना है, जो कि आप देख सकते हैं हम इसको डाउनलोड कर चुके हैं और आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्विस को डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड MFS 100 क्लाइंट सर्विस, इसको डाउनलोड करने कर लेना है। और दोस्तों ये डाउनलोड होने के बाद में आपको यहाँ इसको क्लोज कर लेना है। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये फाइलें हैं वो डाउनलोड हो चुकी हैं। सबसे पहले हमारे को RD सीरीज को ओपन कर लेना है। तो ये ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको ओपन किया है और इस तरह का आप हमारे को सबसे पहले इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, इसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर RD सीरीज से वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। तो चलिए हम इसका वेट करते हैं कितने टाइम में ये प्रोसेस पूरा होता है। तो दोस्तों इसके बाद इस तरह का इंटरफेस भी देखने को मिलेगा और ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रही है RD सीरीज वगैरह, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सक्सेसफुली है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और इसके बाद में आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद हम
हमें क्लाइंट सर्विस को इंस्टॉल करना है, तो उसका प्रोसेस हम आगे देखते हैं। आरडी सर्विस को इंस्टॉल होने के बाद हमारे को क्लाइंट सर्विस को इंस्टॉल करना है, तो चलिए हम इसको डबल क्लिक करते हैं और ये हमारी क्लाइंट सर्विस है वो ओपन हो रही है। इसमें कुछ टाइम लग सकता है दोस्तों, और इसके बाद में आपको इस तरह का विजार्ड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, और दोस्तों इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रही है क्लाइंट सर्विस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे को मैसेज हो रहा है, इसको हमारे को इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो चलो हम इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया हमने। डाउनलोड इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी परेशानी हो सकती है इसमें .NET फ्रेमवर्क वगैरह की, तो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना नीचे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो सिंपली इस प्रोसेस को पूरा कर लो और आप इसका इस्तेमाल है वो आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी सक्सेसफुल है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे को इसका प्रोसेस है वो फाइनली देखने को मिलेगा। डिवाइस काम कर रही है या नहीं तो वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके डिवाइस में इस तरह की लाइट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप जैसे ही थंब लगाएंगे उंगली वगैरह, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आपकी डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर रही है। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर रही है, और आप इसका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं कोई भी सर्विस हो, चाहे APS की हो या ई-मित्र या CSA के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।